आज हम लोग जो है आपको फेरोमैन ट्रैप्स के बारे में बताएंगे, कैसे हम लोग जो है अमरूद में फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए फेरोमैन ट्रैप्स लगाते हैं, और ये कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इनकी फिटिंग कैसे करना है। ये तो हो गया ऊपर का जो है इसका बॉडी है, और इसके अंदर एक लेयर रहता है। लेयर क्या होता है, इसमें फीमेल इंसेक्ट का जो है खुशबू रहता है, जिससे कि मेल जितने भी इंसेक्ट हैं वो कैच होते हैं, इसमें आके जो है फंस जाते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो है ये दो सुराख होते हैं, तीन, यहाँ से आके इसके अंदर वो कैच हो जाते हैं। तो इसको अभी हम फिट करके आपको दिखाते हैं। जो है ये टिकिया निकली है, इसमें क्या है कि मिथाइल यूजेनॉल जो होता है, जो इसके अंदर टेक्निकल यूज होता है, वो मिथाइल यूजेनॉल होता है। मिथाइल यूजेनॉल से जितने भी मेल इंसेक्ट हैं फ्रूट फ्लाई के, वो अट्रैक्ट होते हैं और वो इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हम इस टिकिया को फिट करते हैं। एक ये वायर होता है, ये वायर है, वायर में टिकिया जो है फिट करना है। इसमें छेद रहता है, ये अंदर से आ गया, और हम इसमें टिकिया को ऐसे बांध लेंगे। इसको बांध के हम इसमें लटका देंगे। ये हमारा जो है रेडी हो गया लगाने के लिए। ये हमारा अंदर जो है मिथाइल यूजेनॉल लगा हुआ लकड़ी का गुटका है, और उसको हमने वायर से कनेक्ट करके ऐसे बांध दिया है। और इसको हम जो है पौधे से ये 4-4.5 फीट की हाइट में हम जो है इसको बांध देंगे। जो हमारा सपोर्टिव सिस्टम है या कोई डंडे की सहायता से हम 4-4.5 फीट की हाइट में बांध देंगे। यहाँ पे ये देखिए हम लगाए हुए हैं, और इसको एक अकड़ में 5-6 ट्रैप लगाना है आपको। तो एक लगा हुआ है, इसको हम आगे लगाते हैं थोड़ा।